नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कितनी बार कहा तुझसे कि मेरा पाउडर मत खराब किया कर? आपका तो ही है, भगवान जी ने दिया है, देखिए ऊपर से गिर रहा है। भगवान जी की बच्ची। प्रकाश, 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 प्रकाश इधर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? कुकिंग? कुकिंग क्या होता है पापा? मम्मी, बेटे, तूने खाया तो नहीं ना? खाया तो नहीं ना इसने? हाँ मम्मी, तूने खाया तो नहीं ना पाउडर? नहीं। आकर, आ, 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 इसका हाथ रख, वो दिला इसका। तूने पक्का नहीं खाया ना? खुला करो। आकर थूक दो, थूक दो पानी। हाँ, हाथ बना लो। आज आपने कमाल का काम किया मिस्टर प्रकाश। पुलिस ड्रग डीलर के मामले में आज तक अंधेरे में भटक रही थी, आपने वो रोशनी दिखाई है जिसमें मुझे मुजरिम की सूरत साफ नजर आ रही है। मैं समझूं कि मुजरिम बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे नजर आएगा। साला बाप का नाम लेता है, चल चल। सर, ये एमएलए चौधरी के नाम का रौब दिखा रहा था। एमएलए का आदमी है। अयूब, देखो कि इस आदमी की जमानत ना हो। ओके, कम ऑन। आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, गुंडेचा भी बहुत बड़ा आदमी है, वो चाहे तो। मैडम, मुजरिम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। हथकड़ियां हर मुजरिम की एक ही साइज की बनती है। आप घर जाइए, कानून के होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चिकलिया साहब, अरे सर आप संध्या, वो हेलो मिस्टर चिकलिया। हेलो हेलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। अंदर आइए ना, आइए सर, आइए बैठिए। नहीं, मैं बैठने नहीं आया संध्या। कल रात से गुंडेचा साहब के फोन पे फोन चले आ रहे हैं। उन्होंने जब कल लॉकर्स खाली किए तो उनमें से उन्हें एक बॉक्स नहीं मिल रहा। मैं सोचा कोई कीमती चीज होगी, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है? सर, वो बॉक्स मुझे मिला है। रात भर सोए नहीं हूं। तुमने मेरा करियर बचा लिया बेटी। कुंडेचा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते, वो मेरे साथ क्या सलूक करते। जल्दी से वो बॉक्स मुझे दे दो। चिकलिया साहब, आप जानना चाहते हैं उस बॉक्स में क्या था? अरे उस बॉक्स में क्या है मुझे कुछ नहीं जानना है। वो बॉक्स मुझे दे दो, जाकर मैं कुंडेचा को वापस कर दूं। उस बॉक्स में ड्रग्स है। गुंडेचा लोगों को मार रहा है, देश को खोखला कर रहा है, न जाने कितने मासूम बच्चों को खिलने से पहले ही कुचल रहा है, तबाही का तांडव मचा रहा है वो। चिल्लाओ मत। अरे इस दुनिया में कौन अच्छा है? सबके सब सफेद पोश बदमाश हैं। अगर गुंडेचा बदमाश है तो है, मुझे क्या लेना देना। मुझे बॉक्स मुझे दे दो। वो बॉक्स अब आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स हमने पुलिस को दे दिया है। क्या बकते हो, बेवकूफ हो तुम। माय जो लैंग्वेज में सिखाई है। हां जी, बेवकूफ आप हैं, शर्मानी चाहिए आपको। मुझे मालूम मैंने क्या किया है, एक इंसान के नाते हर इंसान की अपने समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। मेरे सामने कत्ल हो जाए और मैं खड़े खड़े चुपचाप तमाशा देखता रहूं, ये चाहते हैं आप? सामने से मासूम बच्चों को ड्रग सप्लाई किया जा रहा है और आप चाहते हैं कि मैं चुप साध लूं। इस देश के कॉलेज में पढ़ने वाले हजारों नौजवान, जिनमें आपकी बेटी भी है चकलिया साहब, और मेरा भाई भी,
गुंडेचा के सप्लाई किए हुए ड्रग से अपनी जिंदगी की इमारत को खड़ी करने से पहले कॉर्नर बना दे और मैं खामोश रहूं, ये कहना चाहते हैं आप? चुप्पी साध लूं? चिकलिया साहब, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती। बढ़ती उम्र के साथ साथ वो अपनी जिंदगी को सवारने के सपने देखने लगता है, और तब अचानक एक दिन गुंडेचा जैसे लोग ड्रग्स का कफन लेकर उनके सामने आ जाते हैं और वो उन मासूमों की जिंदगियों को उस कफन में समेट लेते हैं, और वो दरिंदे समाज के सामने सफेद पोशाक पहनकर शरीफों की जिंदगी बसर करते हैं। प्रकाश, तुम्हें नहीं पता, गुंडेचा को जानते नहीं हो, शायद मैं भी उसके बारे में इतना नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि वो बहुत बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है। तुमने पुलिस में जाकर उसके बारे में पुलिस को बताकर बहुत बड़ी गलती की है। अब भगवान से प्रार्थना करो कि आज रात कुछ ना हो, तुम और तुम्हारा परिवार कल का उगता सूरज देख सके। गॉड ब्लेस यू। उस पैकेट में छुपे हुए राज का अंदाजा है तुम्हें मिस्टर चिकलिया? क्या नाम बताया था उस खूबसूरत औरत के पति का जिसने? प्रकाश, मथुर। गुंडेचा, मैं जानता हूं तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है। तुम मुझे डराना चाहते हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम्हारी सफेद पोशी के पीछे जो असलियत है ना, वो मैं जान चुका हूं। अब मैं सारी दुनिया को बताऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारी ताकत मुझे रोक सकती है और ना ही तुम्हारी कोई दौलत मुझे खरीद सकती है। खरीदा उसे जाता है जिसकी कोई कीमत हो। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने कैक्टस के गार्डन दिखाने के लिए बुलाया है। कांटों से खेलने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? तुम जैसा आदमी ही कांटों की कदर कर सकता है। तुम क्या समझते हो तुम्हारी अहमकाना बातों से? रुको। देखो ये कीड़ा, मैं इसे भी जिंदा रखना चाहता हूं, मगर ये मेरी सरहद में आ गया है। अगर मैं इसे जिंदा छोड़ता हूं तो ये मेरे पौधे खराब कर देंगे। जो भी मुझे नुकसान पहुंचाता है। इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव। इसकी कोई गलती नहीं थी, यह सिर्फ इतना जान गया था जितना तुमने और तुम्हारी बीवी ने इसे बताया।
गलती तुम्हारी भी नहीं है मगर तुम्हें भी मरना है। तुम मुझे क्या मारोगे? मैं नहीं, तुम्हें मारेगा वो राज जो तुम मेरे बारे में जान चुके हो। भूल है तुम्हारी कि मौत के डर से मैं अपना इरादा बदल दूंगा? हर किस नहीं, अरे डरते तो तुम हो जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जानें लेते हो। इसीलिए तो पहरों में और बंदूकों के साए में रहते हो। डरपोक हो तुम। क्यों चिल्लाकर अपना वक्त और गला खराब कर रहे हो? चंद सांसें और थोड़ी सी जिंदगी अगर तुम्हारी बची है तो सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। अपनी गंदी जबान से मेरी बीवी का नाम मत लेना। अरे फिक्र मत करो, मैं औरतों को मारता नहीं। औरतें तो फूलों जैसी होती है और मैं फूलों से बहुत प्यार करता हूं। वो देखो, डीसीपी मल्होत्रा की बीवी, उसका पति मेरे कैक्टस के काम आता है और वो मेरे काम आती है। अब कल से तुम्हारी बीवी इसकी जगह लेगी। बहुत जोश है तुम्हें, अब होश में आओ। अभी 10 बजे है, 24 घंटे का वक्त देता हूं। जहां जाना है जाओ, जिससे मिलना है मिलो, मगर कल 10 बजे तक अपने हाथों से अपनी बीवी को सजा धजा कर तुम यहां लाओगे। लेट नहीं होना, 10 बजे। कावल, नीच, धिक्कार है तुझे। अरे अकेला तुम हो तो अकेला मुझसे मुकाबला कर। इन गुंडों का सारे तू अपनी अपनी ताकत जताना चाहता है, ताकत जताना चाहता है मुझ पर। जेंटलमैन, मिस्टर जॉन की गाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर बांद्रा हाईवे से माहिम होकर जाएगी। मिस्टर राणे। यस सर। माहिम सिग्नल से आप उनकी गाड़ी को। आपसे कोई मिलने आया है? एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज प्रकाश माथुर, आई एम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। माफी चाहता हूँ, बिना अपॉइंटमेंट को मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। देखिए मिस्टर माथुर, मशहूर अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर जॉन यहाँ आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की तैयारी में हम लोग यहाँ व्यस्त हैं। देखिए सर, जो मैं देख कर रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे ना तो मिस्टर जॉन की सुरक्षा को छोड़कर आप पूरी पुलिस फोर्स के साथ मिस्टर गुंडेचा की सरहद पर हमला बोलेंगे। गुंडेचा सर, ड्रग्स माफिया गुंडेचा ने इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव का कत्ल कर दिया है। उनकी लाश को मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, और डीसीपी मल्होत्रा का कत्ल भी उसी ने किया है, और उनकी पत्नी को बंदी बनाकर अपने पास रखे हुआ है। सर, मिस्टर गुंडेचा को इसी वक्त आपको अरेस्ट करना चाहिए, वरना आने वाले 24 घंटे में न जाने वो क्या क्या और कर बैठेगा। कमिश्नर साहब, मिस्टर गुंडेचा ने आपके कानून के रखवालों की हड्डियों का चूरा बनाकर अपने कैक्टस के पौधों में डाल रखा है। लगता है आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं, आप बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। जिनकी सुरक्षा की तैयारियां हो रही है उस मिस्टर जॉन को सम्मानित करने के लिए होटल ताजमहल में एक समारोह रखा गया है, जिसके चीफ गेस्ट हैं मिस्टर गुंडेचा। इंडो अमेरिकन कोलैबोरेशन में जो फैक्ट्री का प्लान बनने जा रहा है उसमें फाइनेंस है मिस्टर गुंडेचा के बैंक का, आप जा सकते हैं। हाँ, तो गाड़ी यहाँ से निकलेगी। गाड़ी कहाँ से निकलेगी? कल अखबारों में छपेगा, आपका नाम भी छपेगा, आप सब लोग जो उन बड़े लोगों के साथ मिलकर अखबारों में छपवाऊंगा। इस अखबार का नाम है देशभक्त, और यहाँ जो कुछ भी छपता है खून में कलम डुबोकर छपता है, थूक में कलम डुबोकर नहीं। थूक उड़ाते हुआ कह दिया, गुंडेचा के बारे में छाप दो, डीआईजी के बारे में छाप दो। देखो मिस्टर, बिना सबूत के अगर इनके बारे में छाप दिया तो कल की अखबार में मौत के कॉलम में सबसे आगे मेरी फोटो छपी होगी, तब तुम आओगे? आ गए, छाप दो। खून में कलम डुबो कर छापने का मतलब समझते हो? देशभक्त नाम रख दिया अखबार का, देशभक्त बोला कैसे जाता है जानते हो? क्या छापते हो तुम अपने अखबार में? क्या छापते हो तुम लोग? 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, स्कूल से बच्चों को किडनैप कर लिया गया, गैंगवार में कौन मर गया, ये छापते हो तुम लोग? मुंबई में बारिशों में सड़क पर कितने गड्ढे पड़े हैं उनकी तस्वीरें छाप सकते हो तुम लोग? सच्चाई छापते हुए पूरी जान निकलती है। बिक चुका है तुम लोग, बिक चुका है तुम्हारा जमीन। गुंडा जैसे लोगों ने तुम्हारी कलम को अपने पैसों के जूतों से रौंद डाला है। देखो मिस्टर, ये हिंदुस्तान है जिस देश में गंगा बहती है
यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी पैदाइशी के सबूत के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और जब माँ मरती है ना, माँ की मौत के सबूत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तुम सारे सबूत लेके आ जाओ, मैं पूरे पेपर में छाप दूंगा, सारे सबूत लेके आओ। बिना सबूत आप जैसे बिजनेस टाइकून के साथ कैसे शुरुआत करूं? सिर्फ बात करने के लिए कानून को किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश माथुर को तो आप जानते ही होंगे, मेरे पास आया था, आपके बारे में काफी अनाप शनाप बातें कर रहा था। मैंने अनिल श्रीवास्तव की लाश देखी है, कानून को कैक्टस के पौधों में डाल रखा है, हालांकि मैंने उसकी कोई बात मानी नहीं। फिर भी मिस्टर गुंडेचा, तहकीकात करना तो फर्ज बनता है आपका। फिर कहां से मिली अनिल श्रीवास्तव की लाश आपको? लाश तो नहीं मिली, आज उनकी लीव एप्लीकेशन मिली है, 2 महीने की छुट्टी पर गए, उनकी माँ की डेथ हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये प्रकाश माथुर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, आया था मेरे पास कुछ पैसे उधार मांगने, मैंने मना कर दिया। ना मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके चेहरे पे लिखा है कि आप निहायत नेक और सच्चा इंसान हैं, और सच्चाई की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। मैं अभी सीएम साहब से बात करता हूं, चिंता मत कीजिए। जी साहब, मैं बोल रहा हूं। सर ऐसा है, एक सज्जन पुरुष प्रकाश माथुर के नाम से मेरे सामने खड़े हैं, वो आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं डीआईजी सक्सेना के बारे में। जी जी, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, सीएम साहब से बात कीजिए। सर मैं प्रकाश माथुर बोल रहा हूं। सर सर, डीआईजी सक्सेना कल सुबह 10 बजे उसे दुल्हन की तरह सजाकर तुम मेरे घर पे ले आओगे। एक बाल विधवा की शादी करवा रहा हूं कल सुबह, अगर आपके पास वक्त हो तो आप ही आइएगा। आपके विचार कितने अच्छे हैं गुंडेचा साहब, बट आई एम सॉरी, कल किसी काम की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। आपका वक्त जाया किया, इसके लिए माफी चाहता हूं। थैंक यू। गुड डे डीआईजी सक्सेना। कितने पैसे हुए? कल सुबह 10 बजे, देर नहीं करना। और वो जब स्कूल बस से नहीं आई तो मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हारे साथ होगी। हे भगवान, मुंडी कहाँ है? मैं स्कूल जाके देखता हूँ, हो सकता है बच्चों के साथ खेलने में रह गई हो। प्रकाश, और वो वहां पे नहीं हुई तो? क्यों नहीं होगी, कहाँ जाएगी? मुन्नी, मुन्नी, मम्मी, हे भगवान, कहाँ गई थी मुन्नी? ये क्या हुआ? मम्मी, मम्मी, मेरे हाथ में अंकल का इतना बड़ा छुरा लग गया। बहन जी, बड़ी प्यारी बच्ची है, इसे संभाल कर रखिएगा। ये तो अच्छा हुआ चाकू इसके हाथ में लग गया, वरना। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को घर तक पहुंचा दिया। संध्या, तुम मुन्नी को लेकर जरा अंदर चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई राम साधे की तुम्हारी बेटी को हाथ लगाए? इतना जोश मत दिखाओ कि घड़ी वक्त से पहले सुबह के 10 बजा दे। लो, तुम यहां बैठे हो, इधर पेट में कब से चूहे दौड़ रहे हैं। ये दीपक, चलना यार, खाना नहीं खाना, 10 बज गए, किचन बंद हो जाएगा। यार अमित, खाने का नाम लेकर तो तूने मुझे मेरी भाभी की याद दिला दी। 10 बज रहे हैं ना, अभी तक जरूर वो मेरे लिए भूखी बैठी होगी। प्रकाश, आप लोगों ने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया ना? कानून की मदद करना हमारे लिए कहीं मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? देखो संध्या, खामोशी से अन्याय सहने वाला
अन्याय करने वाले से बड़ा अपराधी होता है। तुम डर रही हो संध्या? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? वो तो पेड़ है बेटा, पेड़ हिल रहा है। आ सो जा, देखो सो जा। आ मगर कल 10 बजे तक, मगर कल अपने हाथों से अपनी बीवी को सजा धजा कर तुम यहाँ लाओगे। लेट नहीं हो रहा 10 बजे। हाँ हाँ मुझे मालूम है, कल सुबह। भैया दीपक बोल रहा हूँ। भैया मैं 10 बजे से फोन ट्राई कर रहा था, मम्मी की लाइन ही नहीं मिल रही थी। अरे भैया आप इतने चिड़े हुए क्यों हो? कोई पूरा सपना देख रहे थे क्या? सपना? भैया आपका सपना सच हो गया। भैया मुझे बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया गया है और परसों कॉलेज में फंक्शन भी है, आप आएंगे ना भैया? दीपू कल सुबह मैं और तेरी भाभी दोनों 10 बजे की ट्रेन से बाहर जा रहे हैं और अभी तक वापसी की टिकट कंफर्म नहीं हुई है। भैया अच्छा ठीक है, भाभी कहाँ है? भाभी को फोन दो। तेरी भाभी तो सुन रही है। ओके ओके दीपू, गॉड ब्लेस यू। तुम्हें दीपक से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैम मैंने झूठ तो नहीं बोला। कहाँ जा रहे हैं हम लोग सुबह 10 बजे?